हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया है कि शिक्षा में होगी एआई की एंट्री, देश के 3 संस्थानों में बनेंगे केंद्र और इसके रिगार्डिंग पूरे देश में 3 केंद्र बनाए जाएंगे। पिछले 3 दशकों में कंप्यूटर की एक बड़ी क्रांति देश में आई थी और अब दुनिया भर में वैसे ही एआई जिसका होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात हो रही है। कंप्यूटर एक पूर्ण सब्जेक्ट बन सका था, लेकिन एआई मल्टी डिसिप्लिनरी है। यही वजह है कि एआई एजुकेशन में डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन में नहीं रहेगा बल्कि जनरल रहेगा, क्योंकि ये मैथ से लेकर फिजिक्स और केमिस्ट्री सहित सभी विषयों को प्रभावित करता है। यहाँ तक कि ह्यूमैनिटी के छात्रों को भी इसे पढ़ना चाहिए। उनका कहना है कि फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ जो ह्यूमैनिटी के छात्र हैं उनको भी इसे पढ़ना चाहिए। इस पर केंद्रित को स्पेशल डिग्री कोर्स को लेकर फिलहाल बात नहीं चल रही है, परंतु जल्द ही देश के 3 बड़े शैक्षणिक संस्थानों में एआई से संबंधित 3 सेंटर शुरू किए जाएंगे। इसको लेकर एक सभी संस्थानों प्रतियोगिता होगी, यानी एक परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसका रिसर्च वर्क सबसे अच्छा होगा उन 3 संस्थानों को चुना जाएगा। यह कहना है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार जी का, जो शनिवार को मैनिट के दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए थे। समारोह सम्पन्न होने के बाद उन्होंने दैनिक जागरण से विशेष बातचीत करते हुए एजुकेशन में एआई सहित इतिहास की अदला बदली करने पर चर्चा की। एआई के प्रति जागरूकता जरूरी है। एआई के एडवांस होते हुए अब इसे एक नेगेटिव पहलू भी सामने आने लगे हैं। इसके लिए जरूरी है कि लोगों को उसके प्रति जागरूक किया जाए। हम कई बार साइबर क्राइम के खिलाफ जागरूकता की मुहिम चलते देखते हैं। ऐसे ही हमने अपनी आइडेंटिटी की सुरक्षा के लिहाज से एआई के प्रति भी लोगों को जागरूक करना चाहिए। इतिहास की पुस्तकों में दर्ज करेंगे गुमनाम नायक, स्कूल हों या कॉलेज, किताबों में दर्ज इतिहास पर लंबे समय से प्रश्न उठाए जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जो पुस्तकों में है वो रहे, लेकिन जो अब तक छुपा है और बच्चों के बीच पहुंचना चाहिए उसे दर्ज किया जाए। पूरा देश अब चाहता है, सभी के मन में आज भावना है कि कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर आएं। पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों से नायक हैं, लेकिन हम सिर्फ कुछ एक के बारे में ही जानते हैं। इन्होंने ये 2-3 मुख्य मुख्य बातें कही हैं, जिनमें एक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक कहा है कि एआई के प्रति जागरूकता होनी चाहिए, जिस प्रकार की साइबर क्राइम के खिलाफ जागरूकता लोगों में आई। और तीसरा इन्होंने मेन पॉइंट कहा कि इतिहास जो कि अनसुलझे या दबे हुए पहलू रह गए वो सभी बच्चों तक पहुँचने चाहिए। तीनों ही बातें जो हैं बहुत सटीक और अच्छी हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आप पहली बार अगर ये शब्द को सुन रहे हैं, तो आप अगर न्यूज़ देखते हो तो न्यूज़ में एक एंकर है सना, तो वो एआई हैं। यानी इस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है। आप कह सकते हैं कि जहाँ पर हमें किसी के कार्य की, इंसान की मदद की ज़रूरत थी, वहाँ पर ये एआई भी कार्य कर सकेंगे। दूसरा, जागरूकता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक इतिहास का मुद्दा बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब पीढ़ी दर पीढ़ी कोई चीज़ चलती है तो हम तो इंसानों में ही 1 से 3 से 4 से 5 से 6 व्यक्ति तक बातें बदल जाती हैं, और यहाँ तो इतिहास की बातें हैं, तो जो वास्तविकता है वो तो बिल्कुल छिपी पड़ी है। और ये रिसर्च वर्क है और इसी के माध्यम से ये चीज़ें बाहर आनी चाहिए। इन सभी का बहुत, जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर एम जगदीश कुमार जी का, बहुत सराहनीय पहल है, बहुत अच्छा कदम है, हम सभी इसकी प्रशंसा करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर लें तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। वंस अगेन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।